तो फ्रेंड मान लो कि हमें 1 7 6 × 125 इसका मान ज्ञात करना है। अरे कम समय में कैसे ज्ञात करें, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं। देखो 1 7 6 में सबसे पहले 8 से डिवाइड करो, कितना हुआ 8 × 16, ठीक है। अरे फिर से 1 6 बचा था, फिर से 8 × 16। अब देखो 125 में कितना अंक है, 1 2 3, तीन अंक है ना, तो इसके अंत में कितना लिख देंगे, 3 0, ठीक है। जितना अंक होगा उतना 0 अंत में लिख देंगे। ऐसे ही मान लो कि हमें 40 40 32 में 125 से गुणा करना है। अगर किसी भी संख्या का 125 से गुणा होगा तो उस संख्या में सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 5 40, 0 8 4 32, ठीक है। अब देखो 125 में कितना अंक है, 1 2 3, तीन अंक है ना, तो 3 0 इसके अंत में लिख देंगे। ऐसे ही मान लो कि हमें 50816 में 125 से गुणा करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 50816 में सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 8 6 48, ठीक है, 8 4 8 3 24, ठीक है, 28 में से 24 घटाओ कितना हुआ, 4 1, तो 8 5 40, फिर से 8 2 16। अब देखो 125 में कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 0 इसके अंत में लिख देंगे। देखो मैं ट्रिक बताता हूँ, आखिर ट्रिक क्या है। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या है, मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स में अगर 125 से गुणा की जाती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए ट्रिक देखो क्या है, एक्स में 8 से भाग दे दो, ठीक है, और उसके बाद से इसके जो संख्या आएगा उसके अंत में 3 0 लिख दो, क्योंकि 125 में 3 अंक है, तो इसमें 3 0 लिख देना है। अगर ऐसे ही कोई संख्या है एक्स, इसमें हमें केवल 25 से गुणा करना है, इसके लिए ट्रिक देखो क्या है, एक्स में 4 से भाग दे दो, अरे 25 में कितना अंक है, 2 अंक है ना, तो 2 अंक इसके अंत में लिख दो। ऐसे ही मान लो कोई संख्या है एक्स, इसमें हमें 5 से गुणा करना है, ठीक है, तो देखो एक्स में आप 2 से भाग देंगे, ठीक है, अरे 5 कितना अंक है, 5 में 1 अंक है, तो 1 0 इसको अंत में लिख देंगे। जैसे कि हमें मान लो कि 4 0 8 0 में हमें 25 से गुणा करना है, ठीक है, तो 25 से जब भी गुणा करेंगे तो किससे भाग देंगे, 4 से, तो 4 से इसमें भाग दो, कितना हुआ, 1 0 2 0, और यहाँ पर 2 अंक है, तो अंत में कितना 0 लिखेंगे, 2 अंक। तो ऐसे ही मान लो कि हमें 40 20 में केवल 5 से गुणा करना है, तो 5 से गुणा करने के लिए क्या ट्रिक बताया था, 5 से गुणा करने के लिए 2 से भाग देंगे, तो इसमें 2 से भाग दो, कितना हुआ, 2 0 1 0, और इसमें 1 अंक है, तो 1 0।